इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर रायपुर से, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में होगी। बैठक कई अहम मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। बैठक में धान खरीदी की भी हो सकती है समीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है सुबह 11 बजे सीएम हाउस में। बैठक होगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में धान खरीदी की भी हो सकती है समीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी के साथ रायपुर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक है 11 बजे से, जो है मतलब कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा करे जाने की बात जो है सामने आ रही है, क्योंकि कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कई सारे मुद्दों पर जो है इसमें चर्चा होगी, क्या कुछ होना है आगामी समय में, ये सारी बातों को लेकर जो है खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका जो है जायजा लेंगे। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज 11 बजे से जो है सीएम हाउस में बैठक शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक है जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 2 जनवरी 2023 को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय सत्र कालीन से पहले इसी बैठक को बुलाया गया है और इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यदि हम कहें तो सबसे पहले जो विधायक पारित होने हैं सदन में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राजभवन में जो आरक्षण रुका है, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय की रणनीति बनाई जाएगी और आगामी चुनाव की भी चर्चा की जाएगी और धान खरीदी, कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी की भी चर्चा हो सकती है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी, तो कई मतलब जो विषय है जो डेवलपमेंट से जुड़े हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि विकास से जुड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जी, इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी, जो हस्ताक्षर नीति राज्यपाल ने उसके लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे हस्ताक्षर करवाया जाए और कैसे आरक्षण जल्दी से जल्दी करवाया जाए। और उसके बाद सत्र के पहले बैठक बुलाई गई है। इसके जस्ट एक महीने पहले भी विधानसभा से जो पारित हुआ था विधेयक, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और विधान शीतकालीन सत्र में जो विधेयक और अभी पारित होने, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बताई, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें सीएम हाउस में ही ये बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है।